अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शिवसेना ने कहा, देवास उज्जैन हाईवे पर देवास की ओर आने वाले वाहनों को इंदौर ब्रिज के पास हो रही परेशानी। ब्रिज के पास चौड़ीकरण की मांग को लेकर शिवसेना का प्रतिनिधि मंडल ने अपर कलेक्टर से मिला। नेशनल हाईवे द्वारा उज्जैन से देवास हाईवे पर इंदौर ब्रिज के पास बनाई गई सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर शिवसेना का प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे से मिला। वर्मा ने बताया कि हाल ही में नेशनल हाईवे द्वारा उज्जैन से देवास तक फोरलेन का निर्माण कार्य किया गया। सड़क निर्माणाधीन कंपनी ने हाईवे निर्माण के दौरान काफी गलतियां की, जिससे आवागम करने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर ब्रिज के पास देवास की ओर आने के लिए सर्विस रोड का निर्माण किया गया है, जबकि यह सर्विस रोड नहीं है, जबकि देवास की ओर आने के लिए हाईवे मार्ग का एक हिस्सा है, जिसकी चौड़ाई मात्र 18 फीट रखी गई है। 5 फीट एक्स्ट्रा कच्चा डामर डालकर मार्ग पर लीपापोती कर दी गई। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन निकलने के लिए सड़क की चौड़ाई 18 फीट से ज्यादा होती है। कम चौड़ाई मार्ग पर दो बड़े वाहनों को निकलने में काफी समस्या पैदा हो रही है। शिवसेना ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त स्थल का निरीक्षण कर निर्माणाधीन कंपनी को निर्देश दिए जाए कि मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाए, जिससे वाहनों का आवागमन सही ढंग से हो सके। इस अवसर पर शिवसेना जिला उपाध्यक्ष दशरथ जाट, कुंवर शेरसिंह परमार, युवा सेना जिला अध्यक्ष तरुण देशमुख, जिला संयोजक कृष्णा राव पारखे, जिला महामंत्री संजू भाटी सहित स्थानीय रहवासी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं कि ये एक तो देवास की ओर जाने वाला मार्ग है और एक ब्रिज के ऊपर से ये इंदौर की ओर जाने वाला मार्ग है। अब इस ब्रिज के ऊपर ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का सांकेतिक बोर्ड लगाया है इन्होंने कि जो व्यक्ति इस ब्रिज के माध्यम से जाना है तो वो कहाँ जाएगा। ये आप अगर देखेंगे तो इसमें सीधा दिख रहा है कि ये देवास की ओर ब्रिज जा रहा है, ये देवास की ओर जा रहा है। तो कहीं लोग इसको देवास की ओर जाने वाला ब्रिज समझ के वो सीधे ब्रिज की ओर चढ़े जा रहे हैं और उनको भी बीच में से पता चलता है कि अपन तो गलत रास्ते पर है, क्योंकि ये गलत चीज किससे हुई है, ये मेन रोड के निर्माणाधीन कंपनी की लापरवाही के कारण हुई है। व्हाइट वाली पट्टी पे लीजिए, ये 18 फीट की सड़क पे ये जो अभी वर्तमान में चलित जो वाहन चल रहे हैं उसी के माध्यम से हमने जो नप्ती कर रहे हैं, इसमें 18 फीट है, ये 18 फीट आ रही है और 18 फीट के बाद में यहाँ से हम जब नप्ती कर रहे हैं तो ये है 22 से 23 फीट के समथिंग में ये आ रही है। तो ये 23 फीट की भी जो सड़क जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो है मेन सड़क, मजबूत सड़क ये है, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सड़क है केवल डामर बिछा करके लेप लगाने वाली सड़क है, यानी कि ये कभी भी पानी के माध्यम से उखड़ जाएगी, ये ओरिजिनल सड़क नहीं है। और इसी के जैसी इतनी ही सड़क इधर होनी चाहिए थी जो नेशनल हाईवे के हिसाब से 2 लेन की होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे के द्वारा जो बनाई गई एक नाली है, ये नाली ऐसी है कि जो वर्तमान स्थिति में अधूरी छुट्टी हुई है। इस पे जो रोड की जो साइज है वो मेन रोड की साइज है 18 फीट की मेन, मैंने खुद ने टेप के माध्यम से उसको नापा है अभी वर्तमान में 18 फीट की वो नाली की रोड की चौड़ाई है, और उसके बाद में 5 फीट एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा मटेरियल डाल के उसको चढ़ा करके उसको 5 फीट उसको बढ़ाया, यानी कि वो कभी भी उखड़ सकती है। तो यह मात्र 18 फीट की सड़क है, ओरिजिनल सड़क, और उसके बाद में ये एक नाली है, और आप ये देख रहे हैं वाहनों को निकलने की भी जगह नहीं है व्यवस्थित। तो ये नेशनल हाईवे का जब ये मार्ग है तो यहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं किस प्रकार से बनाई गई है ये संदेहास्पद है, यानी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना इसमें हुई है, या तो जमीन को कहीं कंपनी के द्वारा या तो गलत नप्ती करके नक्शा पास किया गया, या कहीं ना कहीं इसमें झोलझाल हुआ है। बताएं आज आप कलेक्टर कार्यालय गए थे किस मामले को लेकर? आज कलेक्टर कार्यालय में नेशनल हाईवे का जो रोड का निर्माण हुआ है उसके संबंध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, जहां पर मैंने अपर कलेक्टर प्रवीण जी फुलपगारे जी से मैंने मुलाकात की है, और उन्हें नेशनल हाईवे के द्वारा जो टोल टैक्स के जस्ट पास में बना हुआ बांगर गांव से लगा हुआ इंदौर की ओर जाने वाला ब्रिज, उसी के पास में नेशनल हाईवे के द्वारा एक मार्ग बनाया गया है, और वो ब्रिज के पास मार्ग होने से वो सर्विस रोड के रूप में बना हुआ है, जबकि देवास के वाहनों के लिए यानी कि देवास और भोपाल या अन्य जगह जाने के लिए वो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग को इन्होंने सकड़ी सड़क के रूप में बना दिया, जबकि उस मार्ग की चौड़ाई मैंने स्वयं ने नप्ती की है, उसकी चौड़ाई जो है 18 फीट की है,
और 18 फीट की चौड़ाई के साथ में 5 फीट उसमें एक्स्ट्रा है जिसपे लिपा पोती करके जो डामर लगाया जाता है जिससे बढ़ाई गई कि 5 फीट ये एक्स्ट्रा बढ़ाई गई। लेकिन जो मैंने मुख्य रूप से जो देवास से उज्जैन की ओर जाने वाली जो सड़क है, मैंने उस सड़क की भी नपती की। उस सड़क की नपती में मूल रूप से चौड़ाई जो है, उस जो मजबूत सड़क है उसकी चौड़ाई है 23 फीट की, और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो मजबूत सड़क होने के बाद में एक्स्ट्रा उसमें है, उसके अंदर 5 से 6 फीट की एक्स्ट्रा सड़क है उसके अंदर। तो यानी कि वो जो सड़क उधर की साइड में है मेन सड़क, वो है कम से कम 28 से 29 फीट चौड़ी, और जो देवास की ओर आने वाली जो सड़क है उसकी मूलतः चौड़ाई जो है वो 18 फीट और प्लस 5 फीट 23 फीट, तो मात्र 23 फीट चौड़ाई, जबकि ये 28 से 29 फीट की चौड़ाई में ये होनी चाहिए थी। यही बात मैंने एडीएम अपर कलेक्टर महोदय बुलवारे जी को बताई है, और उन्होंने इस विषय पर गंभीरता भी दिखाई है, क्योंकि जनता आज वो परेशान हो रही है। उसी के पास में जो ब्रिज के जस्ट पास से लगी हुई एक पानी की नाली बनाना चाहिए थी, उसको एनएचए की कह सकते हैं कि लापरवाही हुई है या उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनके द्वारा, कि उसमें रोड के एक साइड में उन्होंने नाली बनाई है। अब वो नाली एक विवादित नाली के रूप में हो गई है, क्योंकि वो ना तो ब्रिज के उपयोग में आ रही और ना किसानों के हित के उपयोग में आ रही, क्योंकि वो आधी अधूरी नाली और उसी का पानी सभी के खेतों में घुस रहा। तो इसी कारण से कहीं विविधताएं कहीं परेशानियां वहां आ रही है, और यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि वहां पर सांकेतिक मार्ग एनएचए के द्वारा नहीं लगाए गए, उसमें भी अभी एक कंडीशन है कि आज एक टोल टैक्स के माध्यम से कि एक छोटा सा एक सांकेतिक मार्ग वहां पर लगाया गया, जबकि आप लाखों रुपए पर डे के टोल टैक्स ले रहे हैं, तो उचित व्यवस्था करना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन लापरवाही बनी हुई है। कलेक्टर साहब ने संबंध में मुझे आश्वस्त किया है कि इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा।